अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आ गई हूँ फिर से भाई एक नया मेकअप लुक लेके। तो ये है मेकअप लुक जो मैं करने वाली हूँ अपनी वीडियो में, और ये बहुत मज़े का लुक है। सारे लुक मुझे अपने मज़े के ही लगते हैं, तो प्लीज़ देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये लुक, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं कौन सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस बाई यूजिंग बॉबी ब्राउन ऑयल। और इससे पहले मैंने अपना मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कर लिया। आई विल डू माई फेस लेटर, बट फर्स्ट आई विल डू माई आईज। और आईज के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज आईब्रो पोमेड, और वो मैं वही यूज करूंगी जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी आईब्रोज को जो है बहुत शार्प नहीं किया, बहुत सॉफ्ट सा रखा है, मेरा दिल नहीं कर रहा था शार्प करने का। और अगर आपको आईब्रोज का डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें मैंने बिल्कुल अपनी अंडन आईब्रोज पर आईब्रोज अपनी सेट की हुई है, तो वो मैंने यूट्यूब पे ही आप जाके देख लें। और उसके अलावा अब मैं जो है ये कंसीलर यूज़ करूँगी मिश्रोज का, और इस कंसीलर को मैं अपनी लिड्स पर लगा लूँगी ताकि मैं अपने आई मेकअप स्टार्ट कर सकूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। अब जो है मैं सबसे पहले अपने आईज को सेट करूंगी, और मेरे पास ये शेड है कंसीलर शेड जो है अपने फेस आँखों के लिए, इससे मैं अपनी आँखों को सिर्फ पाउडर से सेट कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, मैं इसी पैलेट में से एक शेड है टेडी और सीक्रेट, ये ब्राउन शेड्स हैं, इन दोनों शेड्स को अपनी क्रीज पर लगा लूँगी। अब मैं इस पैलेट में से ये ब्लैक शेड उठा के इसको अपने कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। मैं इसको अच्छी तरह पैक करूंगी सबसे पहले शेड को, थोड़ा सा इस तरह करके ज़्यादा। यू गाइस कैन सी मैंने ब्लैक शेड बहुत अच्छे से पैक कर लिया। अब मैं सेम सीक्रेट और टेडी शेड लेके इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इनके कॉर्नर्स को, ताकि मेरे पास कोई हार्श लाइन ना रह जाए। अब जो मैं है अपने हल्की सी क्रीज पे ये कंसीलर लगाऊंगी, ताकि जो मैं ग्लिटर अप्लाई करूं वो मेरा बहुत अच्छे से इन्हेंस करे। मैं ये मिस रोज का कंसीलर ही लेके लगा रही हूँ। मैं प्रॉपर कट क्रीज नहीं करूंगी, बट मैं कंसीलर को अच्छे से लगा लूंगी ताकि मेरे जो ग्लिटर लगे वो अच्छे से पॉप करे। मैंने इस तरह के ब्रश में कंसीलर लगा लिया, और अब मैं इसको अपनी लिड पर लगा रही हूँ। अपनी आईज पे ग्लैम गर्ल के पिगमेंट्स लगाऊंगी। दिस वन इज इन शेड 05 डायमंड्स, और ये जो है वो ग्रे कलर में है। तो मेरा आज लुक डिसाइड हुआ था कि मैं थोड़ा ग्रे ब्लैक में करूंगी, तो ये है ग्रे कलर में जो शेड है, थोड़ा मतलब शिमरी टाइप है। अब मैं इसको जो है अपने स्प्रे में मिक्स करके इसको अपनी आईज पे अप्लाई, मैंने इसको अपने ब्रश में जो है सेटिंग स्प्रे के जरिए थोड़ा सा लिक्विड इसका बना लिया, और अब जो है मैं इसको अपनी आईज पे अप्लाई करूंगी आप लोगों के सामने। मैंने अपनी आंखों पे अप्लाई कर लिया, और मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके इसके कॉर्नर्स पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उसका थोड़ा सा ड्राई भी होने दीजिएगा साथ साथ। ये मैंने इसके कॉर्नर से ब्लेंडिंग कर दी ताकि मेरी हार्श लाइन ना फील हो। इट इज काइंड ऑफ कट क्रीज, बट मैंने प्रॉपर शार्प कट क्रीज नहीं की, मैं भी ऊपर से हल्का सा इसको ब्लेंड कर दूँ। जो है मैं ये बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेके इन सब को अच्छे से ऊपर से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि थोड़ी सी क्रीज भी ब्लेंडेबल लगे। लाइक दीज आई लैशेज, और मैं आती हूँ आई लैशेज लगा के वापस। तो यू गाइस कैन सी मैंने अपनी फाउंडेशन लगा ली, अपनी कॉन्टोर कंसीलर वगैरह सब कर लिया है। अब जो है मैं अपना फेस को सेट करूँगी, अपना कॉन्टोर को पाउडर पर कॉन्टोर से सेट करूँगी, अपना ब्लश करूँगी, मेरा फेस डन हो जाएगा, देन मैं अपनी आईज कम्प्लीट करूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस क्रेलॉन पाउडर, और मैं इसे हल्का सा सेट कर रही हूँ क्योंकि कॉन्टोर मैंने यूज़ कर लिया। ब्लेंडर से ही अपने पाउडर को भी हटा रही हूँ जो मैंने अभी अप्लाई किया था अंडर आईज के नीचे। ऑलमोस्ट मैंने फेस मेकअप थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ किया है, पूरा वीडियो में नहीं किया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेम तरीके से करती हूँ, तो सबको पता ही है। डिटेल इसका भी मैंने किया हुआ है, वो भी यूट्यूब की वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं करूँगी अपना ब्लश। ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट बाय मिस रोज, बहुत अच्छा ब्लश है ये। मैं इसमें से
थोड़ा सा लाइट शेड करूंगी तीनों को ही थोड़ा थोड़ा मिक्स करके। हाइलाइटर के लिए आई विल यूज 7 कूल हाइलाइटर। और ये सेम हाइलाइटर जो है मैं थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स और ब्रोबोन पे लगाऊंगी। मैं जो है अपनी लोअर आईज करूंगी उस पर मैं ये ब्लैक शेड लेके अपने आईज के जो कॉर्नर्स हैं उन पे लगा लूंगी थोड़ा सेंटर तक लाके ऐसे और लेफ्ट में भी। और दूसरे जो ब्रश से लेके मैं इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। आईज के अंदर जो है मैं व्हाइट पेंसिल लगाऊंगी। क्या वजह है लगाने की? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक कर लिया तो व्हाइट अच्छी लगेगी। अच्छा मैं ब्रश के पीछे लगा के लगाती हूँ ताकि सही से लग जाए। अच्छा तो ये बिल्कुल व्हाइट पेंसिल नहीं है, मैं इसमें ब्लैक भी लगा सकती थी, आपकी मर्जी। थोड़ी सी न्यूड टाइप पेंसिल है, मतलब व्हाइट का ही शेड है लेकिन बिल्कुल इनहेंस होती हुई व्हाइट पेंसिल नहीं है। अब जो है मैं क्या करूँगी, मैं अपने इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगी ताकि मेरी आई की और शेप इनहेंस हो और वो और अच्छी लगे। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लाइनर बाय एसेंस जो मैंने थोड़ा सा आँखों के ऊपर भी इनर कॉर्नर्स पर लगाया था। मैंने अपनी दोनों आंखों के इनर कॉर्नर्स भी कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब जो है मैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। आईज मेरी ऑलमोस्ट नहीं बल्कि पूरी कंप्लीट हो गई, अब मैंने कुछ भी नहीं करना आईज पे। अब मैं अपना लिप कलर लगाऊंगी। लिप कलर के लिए मैं न्यूड पे भी जा सकती हूँ बट आई वॉन्ट टू गो विद रेड, लाइक ब्लैक और ग्रेस और जो रेड के कॉम्बिनेशन होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं सेफोरा की 01 रेड लिपस्टिक लगाऊंगी और कीप वॉचिंग। कलर जो है ना बहुत मतलब फील हो रहा है मुझे, तो मैं इसके ऊपर ये एक शेड है मेरे पास स्वीट टच का, इसको मैं लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा डल लगे मेरा कलर। तो यू गाइस कैन सी माय लुक इज कंप्लीटेड, दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने इसके साथ ये बालियाँ पहन ली हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं लुक के साथ। और आई होप यू गाइज लाइक दिस लुक, यू गाइज कैन सी करीब से भी। आई होप यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अपना यहाँ पे इंस्टा भी शेयर कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।